नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई से करीब भाईंदर इलाके में हूं, भाईंदर के पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के अंदर, क्योंकि यही वो जगह है यहां से मॉर्चरी में रखे पार्थिव शरीर को तनीषा शर्मा के यहां से उनके घर जो कि 5 मिनट की दूरी पर है इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग, वहाँ पर ले जाया जाएगा। सुबह 10 से 11 बजे के करीब अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर रखा जाएगा और शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इसी बीच जो पड़ताल है वो एक अलग दिशा में जाती दिख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री भाजपा नेता गिरीश महाजन ने लव जिहाद पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस ओर जांच चल रही है और चूंकि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं तो इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने पर विचार हो रहा है। इधर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मांग की है CM एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर कि इस मामले में SIT का गठन होना चाहिए जाँच के लिए। आपको दिखाते हैं आज इस मामले में क्या कुछ हुआ। शिजान ने तनीषा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तनीषा से ब्रेकअप किया। अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान ने एक्ट्रेस तनीषा शर्मा को धोखा दिया, उसके और भी महिलाओं से संबंध थे, ये आरोप तनीषा की मां ने लगाए हैं। शिजान ने तनीषा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तनीषा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तनीषा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा गया है। बस बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। इस बीच आरोपी शिजान की बहन बयान दर्ज कराने वाले पुलिस स्टेशन पहुंची। तनीषा अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ, काफी तनाव में थी इसीलिए ये कठोर कदम उठाया। पुलिस की जांच अब तक इतना ही कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की मौत दम घुटने से हुई, शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। तनीषा की मां की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शिजान की गिरफ्तारी हुई और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दो प्रेमियों के बीच बात क्यों और कहां बिगड़ी ये जांच का विषय है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है, मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच चल भी रही है। दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मंगलवार शाम 4 बजे मीरा रोड में तनिषा का अंतिम संस्कार होगा। मैं अभी JJ जा रहा हूँ, वहाँ से हम लोग तनीषा की बॉडी को मीरा रोड शिफ्ट करेंगे, फिर मीरा रोड मॉर्चरी में रखेंगे, कल मॉर्चरी से हम घर लेके आएंगे, उसके बाद घर से फिर अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे। मीरा रोड में ही होगा कल 4 बजे। सूत्र बताते हैं कि शिजान ने पूछताछ में एक्ट्रेस के साथ अफेयर की बात कबूली है, इसके साथ ही धर्म और उम्र का हवाला देकर रिलेशनशिप से पीछे हटने की बात भी कही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले के बाद तनीषा और शिजान के रिश्ते बिगड़ गए थे। मुंबई से सटे मीरा रोड की इसी बिल्डिंग इंद्रप्रस्थ में अपनी मां के साथ रहने वाली एक्ट्रेस तनीषा शर्मा 20 साल की थी, शिजान की उम्र 28 साल है। 6 महीने पहले दोनों रिलेशनशिप में आए थे, 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ। सूत्र बताते हैं कि खुदकुशी वाले दिन शिजान और तनीषा ने एक साथ लंच भी किया था और तनीषा उस दिन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेकअप रूम में ही तनीषा ने फांसी लगा ली। दोनों के बीच बातचीत को खंगालने के लिए दोनों के फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, तनीषा के कपड़े और गहने भी फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस की जाँच इस ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल और सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और दिल्ली समेत पूरा भारत कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में तापमान और गिर सकता है। ऐसे में जो बेघर होते हैं, बेसहारा होते हैं, गरीब होते हैं, उनके लिए सहारा बनते हैं रैन बसेरे। लेकिन आलम यह है कि अब रैन बसेरों में भी लोगों के लिए जगह नहीं है और जो सर्दी की रातें हैं कई लोग सड़कों पर काटने के लिए मजबूर है। रैन बसेरों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा। दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है और इससे जो परेशान है वो लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनको इस तरह के रैन बसेरों में आकर रहना पड़ रहा है। हम ऐसे ही एक रैन बसेरे से आप तक आ रहे हैं, ये दिल्ली सरकार का एक रैन बसेरा है
ऑल इंडिया मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या एम्स के बाहर ये है। यहाँ पर तकरीबन 20 बेड्स हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। 5 से 7 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। कल क्रिसमस के दिन पर इस सीज़न का, इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पर लोग हमें बता रहे हैं कि जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, ये रैन बसेरे भरते जा रहे हैं और लोगों को इधर घर या लोगों को इधर बसेरा नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग हैं जो रह रहे हैं तकरीबन 20 बेड्स पर, और ये लोग अलग अलग शहरों से भी आए हैं यहाँ पर एम्स में इलाज करवाने के लिए, अपना परिवारों के साथ आए हुए हैं और ये एम्स के बाहर इस रैन बसेरे में रह रहे हैं ठंड से बचने के लिए। ठंड जैसे कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से ये भी जान लेते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या लोगों को लग रहा है, क्या अंदर जो सुविधाएं हैं क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रतिमा देवी, झारखंड से आए हैं। तो कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? 15 दिन से यहाँ पर हैं। तो क्या अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आपको ठंड से बचा रही हैं या अंदर भी ठंड लगती है? नहीं यार, ठंड से बचे हुए हैं, ठंड से बहुत बचे हुए हैं। कम्बल नहीं है तो कम्बल भी दे देते हैं ओढ़ने के लिए, मगर ठंड से बचे हुए हैं। जैसे ठंड बढ़ रही है, क्या ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिनको आप जगह नहीं दे पा रहे? जी मैडम, आदमी तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे पास 20 बेड है, 20 बेड पर वही 30 आदमी के लिए हम एक बेड पर 2-2 आदमी एडजस्ट कर देते हैं ठंड के बचने के लिए, और बाकी बात जो आदमी आते हैं वो आगे बड़े कैंप लगे वहाँ भेज देते हैं। तो 20 लोगों की आपके पास जगह है, पर कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? वही 50-60। 50-60 लोग एक दिन में आ जाते हैं यहाँ पे। 20-30 लोगों की कैपेसिटी है, पर यहाँ पर लोग जितने आ रहे हैं वो 40-50 लोग दिन में आ जाते हैं यहाँ पर घर, यहाँ पर बसेरा मांगने के लिए। इसीलिए जो बचे हुए लोग हैं उनको आप देख सकते हैं कि उन्हें बाहर सड़क पर सोना पड़ रहा है, उन्हें सड़क पर ही अपने परिवारों के साथ अपना सारा सामान लेकर यहीं पर बैठना पड़ रहा है। ललितपुर से आए, खाने पीने की दिक्कत है, सड़क पे आँखों से दिखता नहीं है, पर और सड़क पे सोना पड़ रहा है। दोनों आँखों से दिखता नहीं, वो खराब बता रहे हैं और सड़क पे सोना पड़ रहा है। जगह ही नहीं, अंदर बोलते जगह नहीं है, बाहर के शौचालय भी दिक्कत कर रहे हैं, बाहर के शौचालय भाई पैसे ले रहे हैं। अच्छा, शौचालय भी नहीं? हाँ, शौचालय नहीं, पैसा आपके लिए भी पैसे ले रहे हैं, लेटरिंग के लिए पैसे ले रहे हैं वो लोग। आप बताइए, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मैम 1 महीना हुआ है। सड़क पर ही रह रहे? हाँ, सड़क पर रहते हैं। सड़क पर सोना पड़ रहा है अपने परिवारों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। मरीज जो हैं उन्हें भी सड़क पर सोना पड़ रहा है। जैसे कि टेम्परेचर्स गिरते जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, उन्हें यहाँ रहना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, पर उनके पास कोई और चारा नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। ICICI बैंक फ्रॉड मामले में CBI ने बड़ा एक्शन लेते हुए वीडियोकॉन ग्रुप प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले CBI ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी की है। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत के अध्यक्ष अब CBI की गिरफ्त में है। 4 साल पहले CBI ने इन तीनों पर बैंक से घपले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कोचर दंपति शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए, जबकि धूत को CBI ने सोमवार सुबह मुंबई में कुछ देर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। ये मामला 2011 का है, जब ICICI की प्रमुख चंदा कोचर ने वीडियोकॉन समूह को 3200 करोड़ का कर्ज दिया। 2009 से 2011 के बीच ICICI ने वीडियोकॉन को 6 ऊंचे मूल्य का लोन दिया। इन कर्जों को MD चंदा कोचर के नेतृत्व वाले पैनल ने हरी झंडी दिखाई। 7 सितंबर 2009 को ICICI बैंक ने वीडियोकॉन को 300 करोड़ का कर्ज दिया। उसके ठीक अगले दिन 8 सितंबर 2009 को वीडियोकॉन ग्रुप ने 64 करोड़ दीपक कोचर की न्यू पावर रिन्यूएबल्स में ट्रांसफर कर दिए। न्यू पावर रिन्यूएबल्स में धूत का निवेश आपसी सौदा था। जब 2018 में ये मामला सामने आया, तब चंदा कोचर ने इस्तीफा दिया, जहां दीपक कोचर को इसी मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया। CBI ने तीनों को गिरफ्तार किया, ये आरोप लगाते हुए कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। CBI के मुताबिक चंदा कोचर और दीपक कोचर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोचर दंपति बहुत असरदार हैं, बाहर रहे तो गवाहों को प्रभावित करेंगे। केस की तह तक जाने के लिए कोचर दंपति से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। वेणुगोपाल धूत के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के लिए हिरासत में लेना जरूरी है।
कोचर के उस समय दिए गए दूसरे कर्जों की भी जांच चल रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये बैंकिंग फ्रॉड का बड़ा मामला है जिसकी ठीक से जांच जरूरी है। नई दिल्ली से अरविंद गुणशेखर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब आइए श्रद्धा वालकर हत्याकांड की बात करते हैं। आरोपी आफताब पूनावाला का CBI की CFSL लैब में वॉइस सैंपल लिया गया और फेस रिकॉग्निशन टेस्ट हुआ। आखिर दिल्ली पुलिस को इन दोनों टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच जेल वैन में तिहाड़ जेल से आफताब अमीन पूनावाला को लेकर CBI की CFSL लैब पहुंची। लैब में सबसे पहले आफताब की आवाज का नमूना लिया गया, फिर उसका फेस रिकॉग्निशन टेस्ट हुआ। दरअसल दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मामले की जांच के दौरान एक ऑडियो क्लिप और एक वीडियो क्लिप मिली है। ऑडियो क्लिप में श्रद्धा वालकर और आफताब के झगड़े की आवाज है, इसीलिए पुलिस ने आफताब के आवाज के नमूने लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद उसका वॉइस सैंपल लिया गया। अगर आफताब की आवाज के नमूने का मिलान ऑडियो क्लिप की आवाज से हो जाएगा तो हत्या का मकसद साबित करने में पुलिस को आसानी होगी। पुलिस को जो वीडियो मिला है वो मुंबई का है, उसमें आफताब की काउंसलिंग हो रही है। श्रद्धा से झगड़े के बाद उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। इस वीडियो में जिस एंगल से उसकी तस्वीर है उसी एंगल से उसकी 3D इमेज ली गई है। इस टेस्ट को फेस रिकॉग्निशन टेस्ट कहते हैं। अगर इस टेस्ट की तस्वीर का मिलान वीडियो की तस्वीर से हो जाएगा तो आफताब कोर्ट में इस बात से मुकर नहीं पाएगा कि वीडियो में वो नहीं है। आफताब करीब 3 घंटे CFSL लैब में रहा और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल वापस चला गया। दिल्ली पुलिस श्रद्धा की हत्या के मामले में जनवरी के आखिरी हफ्ते में चार्जशीट दायर कर सकती है। पुलिस इस केस में फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के हर पहलू को देख रही है। दरअसल ये पूरा केस सरकमस्टांशियल एविडेंस पर टिका हुआ है, इसीलिए पुलिस वो हर जांच करवा रही है जिससे कोर्ट में उसका केस मजबूत हो पाए। इसीलिए पुलिस ने ये दो जांचें भी करवाई हैं जिससे कि कोर्ट में पुलिस अपना पक्ष मजबूती से रख पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिम के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा से मोहब्बत का पैगाम बांटने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर से उदार राजनीतिक मुद्रा दिखाई है। उन्होंने आज कई लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल रहे। उनके स्मारक पर वो गए, उन्हें नमन किया। हालांकि इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की जा रही है, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की सोमवार की सुबह पुरखों को श्रद्धांजलि देते गुजरी। वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम की समाधि पर तो गए ही, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाना जरूरी माना। ये अलग बात है कि BJP इसे राहुल की विचारधारा का बदलाव बता रही है। गांधी ने सुबह सुबह जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जाकर उनको, अच्छा है, श्रद्धे अटल जी पूरे देश के सर्वमान नेता थे और अटल जी को सभी लोग चाहते हैं और अच्छा है उनकी विचारधारा में परिवर्तन। अटल बिहारी वाजपेयी को संघ, जनसंघ और BJP की विरासत के बावजूद दलों और घटकों के बाहर एक बड़ी स्वीकृति हासिल रही। वो ऐसे उदार नेता माने गए जिनका हर दल के लोग सम्मान करते रहे। उनके युवा दिनों में जवाहरलाल नेहरू ने उनकी वक्तृता की तारीफ की थी। खुद बांग्लादेश युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की सराहना की। नरसिंह राव और चंद्रशेखर जैसे विरोधी नेताओं से उनके बहुत आत्मीय संबंध रहे। राम मंदिर आंदोलन के समय उन्होंने अपने अकेले पड़ते जाने की बात भी कही। NDA के गठन के समय दूसरे दल BJP के साथ अटल जी के नाम पर ही जुड़े। कांग्रेस भी मानती है कि अटल बाकी BJP से अलग रहे। वो भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर राहुल जी गए और मैं खुद भी मानता हूं कि अटल जी की कुछ बातें थी, वो बातें भले ही विचारधारा से हम अलग थे पर कुछ बात मुझे भी पसंद है। इन्होंने प्योरिटी इन द इलेक्शन, माने चुनाव में पवित्रता की बात की, तो अटल जी की भावना का अपमान करने वाली भाजपा अटल जी के सम्मान के लिए क्या बात हमें सिखाएगी।
लेकिन ये सच है कि इसके पहले किसी कांग्रेस नेता के वाजपेयी की समाधि पर जाने की बात याद नहीं आती। यहाँ वो फर्क है जो राहुल ने पैदा किया है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा को वो लगातार संकीर्ण राजनीति से ऊपर रखने की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चुनावी राजनीति से भी परहेज किया। कांग्रेस तो उनमें बिल्कुल संत देख रही है। राहुल गांधी जिस तपस्या को लेकर चल रहे हैं, तपस्वी इन सब बहस से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। मैं नहीं मानता कि किसी तपस्वी को आप बांध सकते हो कि साहब आप इसी दल के हो तो आप इसी दल की बात करो। तपस्वी को आप दल या दलदल से बहुत ऊंचा मान पाओगे और राहुल गांधी उस ऊंचाई को पा चुका है। बहरहाल इसमें संदेह नहीं कि तनाव और टकराव की राजनीति के इस चरम दौर में राहुल गांधी ने उदार राजनीति की उस विरासत को फिर से आवाज दी है जिसकी इस देश को जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन का असर भारतीय उद्योगों पर भी पड़ा है। भारतीय उद्योग काफी कुछ चीन के आयात पर निर्भर करता है, लेकिन वहां कारखानों के उत्पादन को देखें तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में किन क्षेत्रों में संकट गहरा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। विनोद शर्मा की नजर चीन में जारी कोरोना संकट पर है। उनकी कंपनी कैपेसिटर्स बनाती है जिसमें लगने वाले कई बेहद जरूरी पुर्जे चीन से आते हैं। वो बताते हैं कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 70% पुर्जे विदेशों से आते हैं, इनमें से आधा सिर्फ चीन से आयात होते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में करीब 35% सामान चीन से आयात पर निर्भर है। इस बार जो असर है वो मुझे लगता है पिछली बार से कहीं ज्यादा है, और उसका कारण ये है कि जीरो लॉकडाउन की पॉलिसी जब उठाई गई और उसमें से निकलकर अब हमको हमारे सप्लायर से जब बात हो रही है तो रोज ये मामले सामने आ रहे हैं कि फैक्ट्रीज बंद हैं। चाइना में आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक डॉर्मेटरी कल्चर है जहाँ पे फैक्ट्री में ही लोग रहते हैं, और वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक तरह से 500 या 1000 या 10000 लोग एक जगह रह रहे हैं, तो अगर उनमें से कुछ लोग संक्रमित होते हैं तो यू नो ज़रूरी है कि बाकी लोगों को भी फिर एक लॉकडाउन भी करना पड़ रहा है, कुछ लोगों को घर जाना पड़ रहा है। और इस समय हमें लग रहा है कि सप्लाई चेन्स, ये जो तीनों सेक्टर में आपने बताया, काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुकी हैं। दरअसल चीन में बढ़ते कोरोना संकट का असर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटोमोटिव के पुर्जों के अलावा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स जैसे सेक्टरों पर भी पड़ेगा। विनोद शर्मा कहते हैं कि अगर कोरोना संकट चीन में जनवरी के अंत तक जारी रहा तो संकट बड़ा होता जाएगा। 5 जनवरी से आप जानते हैं चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, और चाइनीज न्यू ईयर में लोग 10-15 दिन के लिए अपने घर छुट्टी जाते हैं, तो पहली बार ऐसा किसी हमने अपने सप्लायर से भी बात की, उनको भी ये पता नहीं है कि 15 जनवरी तक लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उनमें से कितने लोग ट्रैवल कर पाएंगे, उस समय क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो वो सब हमें हिदायत दे रहे हैं कि आप कम से कम 1 महीने का माल एक्स्ट्रा लेकर अपने पास रखिए, और वो समय अब खत्म हो रहा है दिसंबर, अब जनवरी में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये इसका क्या रियल इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा, ये मुझे लगता है कि जनवरी एंड से लेके फरवरी एंड के बीच में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरह से चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के साथ साथ इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर में भी एंटरप्रेन्योर्स की चिंता बढ़ती जा रही है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जिन सामान का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में होता है उसका करीब 35% हिस्सा चीन से आयात किया जाता है। जाहिर है चीन में अगर कोरोना का संकट लंबा चलता है तो इसका सीधा असर भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ेगा। नोएडा से मेरे कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर दिल्ली के सुभाष नगर इलाके से, जहां 3 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग में आग लग गई जिसमें 21 गाड़ियां जलकर खाक हो गई, और इस मामले में 23 साल के यश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। ये शख्स सुभाष नगर का रहने वाला है और सीसीटीवी फुटेज में अर्टिगा कार के टायर में आग लगाता हुआ दिख रहा है। यश के मुताबिक अर्टिगा कार के मालिक ईशान से उसका झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसने कार में आग लगा दी और यही आग बाकी गाड़ियों तक फैल गई। यश के खिलाफ राजौरी गार्डन में केस दर्ज किया गया। और मदर डेयरी ने फिर से बढ़ाए दूध के दाम, दिखाएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
और मदर डेयरी ने फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इस साल मदर डेयरी ने पांचवी बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। फुल क्रीम 64 रुपए लीटर से बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर। टोन्ड मिल्क 51 रुपए लीटर से बढ़कर 53 रुपए लीटर। डबल टोन 45 रुपए लीटर से बढ़कर 47 रुपए लीटर हो चुका है। पिछली बार 21 नवंबर को दाम बढ़े थे और इस साल लगातार पांचवी बार दाम बढ़े हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। भाईंदर के पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।